सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और आज मैं बताऊंगा कि आप अपने माउस पॉइंट को जो है लॉक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर कंट्रोल पैनल, और उसके बाद फिर यहाँ दिया हुआ है हार्डवेयर एंड साउंड, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए दिया हुआ है डिवाइस एंड प्रिंटर्स में माउस, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर मार्क में आपको जो बॉक्स में मार्क कर देना है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स में मार्क कर देना है उस पर। और जैसे ही मार्क करेंगे तो यहाँ पे आपका एक नीले कलर का जो है माउस पे राइट साइड में शो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है अब माउस पैड में जो है सिर्फ राइट की का जो है वो बटन काम करेगा। तो चलिए मैं टेस्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, उसके बाद मैं ओके कर रहा हूँ। अब आप देखिए आप जो है क्लिक करके जो है थक जाएंगे, लेकिन कोई भी चीज़ ओपन नहीं होगा विदाउट राइट की के चलते। आप क्लिक करते रहेंगे लेकिन माउस जो है काम नहीं करेगा। अब मैं देखिए अभी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा अभी, तो ये ओपन हो गया। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो ओपन होगा। डबल क्लिक वाला जो माउस पैड में वर्क है वो अभी स्टॉप है, वो अभी बंद है। तो फिर से मैं अब उसको ऑफ कर दे रहा हूँ। तो फिर से मुझे माउस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वो जो मार्क बॉक्स में है उस पर भी राइट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। अब देखिए आपका नॉर्मल जो है वो माउस हो गया वर्क करेगा। तो उसको अनमार्क कर देंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये आपका जो है बंद हो गया। तो कैसा लगा वीडियो हमें कॉमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Subscribe now. Thank you, friends.